Avila? Yes, sir. Is come for you? Anna. Dono mil gaya, okay. Anna, Avila. Ek chhata. Ab dhyan se bachu, yahan pe you mila? Yes, sir. Bachcha hai, to kya karte hai ki sote hai, ye ki I O U aa jaye. Jaag laga do kya? Hai. Bata hai. Hindi mein milne chahiye. तो क्या जब दोनों मैच खाएगा तो किसका प्रयोग होगा एन का दोनों नहीं खाएगा ए का अब ध्यान देना यहां लिखा है यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी बात है लिखा है यूनिवर्सिटी अब देखो अगर ये दो मिल गए हिंदी मिल रहा है को किसे मिल रहा है यस से किसे मिला यस यस से ए की एन ए लगाएंगे ठीक है दूसरा कांसेप्ट हो गया अब ध्यान देना यहां पे उस ऐसे चीज होते हैं वोकल साउंड से बोलो किसे बोलो वोकल साउंड ठीक है अतः कर सकते हो वोकल कार्ड कर्ण से ध्यान देना जहां पर किस माने क्या होता है दांत किस माने क्या होता है दांत जहां पे दांत ठीक है लिप्स माने क्या होता है होंठ ठीक है टंग माने क्या होता है जीभ होता है टंग माने जीभ और इंसान मतलब माउथ के अंदर की बात माउथ इनसाइड बॉडी माउथ इनसाइड बॉडी पार्ट माउथ इनसाइड बॉडी पार्ट मतलब लिप्स हो जाए टंग हो जाए माउथ हो जाए इनसाइड बॉडी पार्ट टच ना करे क्या ना करे टच ना करे ठीक है वहां पे किसका प्रयोग करते हैं वहां पर एन का प्रयोग करते हैं एन का प्रयोग करते हैं ये ध्यान देना किसका प्रयोग करेंगे एन का प्रयोग करेंगे अब देखो आपको ये किताब में लिखा रहता है लेकिन ये किताब में नहीं होता है और आपको यू नहीं आ रहा है एन का प्रयोग दो तरह होता है एक होता है किताबी ज्ञान से अतः चाहे हिंदी में अंग्रेजी मिल जाए और हिंदी मिल जाए तो पढ़ने मतलब ये नहीं कि मतलब कि जब मतलब पढ़ लियो बस है पढ़ने मतलब ये है कि जो सीखते हैं क्या रियल सीखते हैं कि रॉन्ग सीखते हैं रॉन्ग है राइट ठीक है आप लोग सभी बच्चे जानते जानते कि ए जी आई ओ मिल जाए उसका कह लगा देंगे क्या हलवा अंग्रेजी इंग्लिश इसी बात नहीं है हिंदी अंग्रेजी मिले हिंदी मिले पहला कांसेप्ट था दूसरा कांसेप्ट क्या है ये दूसरा क्या है दूसरा कांसेप्ट है हिंदी अंग्रेजी मिल जाए क्या करेंगे ऐ लगा देंगे क्या मिलना क्या चाहिए इसका उच्चारण मिलना चाहिए हाई कोई ऑनियन माने क्या अब देखो हिंदी देख लो हो गया ऑनियन ऑनियन हो गया यहाँ क्या हो गया वन क्या रुपी नोट अब ध्यान देना अब बोलो ओ ओ नच किया नहीं इसमें नहीं कि इसमें करेगा बोलो ओ ओ जब ओ बोलेंगे सब लोग हाँ क्या होगा मुंह झांका के बोल जाएगा मतलब कि नाइन ओ अब बोलो ओ बोले लिप्स नच किया जीप नच किया दांत नच किया नथिंग इंटर वी कैन यूज क्या एंड ना क्या अगर टच नहीं किया तो एन किसका प्रयोग करेंगे एन अगर बच्चा भूल गया ऐसे है ऐसे लगाओ ना हम काम नहीं कर रहे हैं जब कंठ से तुरंत आवाज आएगी हवा के द्वारा हवा क्या होगी तुरंत क्रॉस करेगी तो क्या करेंगे आप एन का प्रयोग करेंगे टच ना करें अब बोलो वन वन जब वह बोलोगे तो कोर्स सट जा रहा है तो क्या हो रहा है ठीक है दस में बजा दिया अपने मन से लिख रहा है कितना बजा एग्जांपल है ये बटो कैसे ठीक है अब देखो यहां पे टच नहीं किया लेकिन यहां पे बोलिंग वो जो बोले एक हो गया एक हो गया टच कर गया हो गया अब ध्यान दो ऐसे ही कई एग्जांपल होते हैं बोलने के लिए यहां क्या रहेगा ए जहां टच कर जाए ए लगाना क्या टच ना करे लगाना अंदर का पूरा भाग ऊपर का नहीं अंदर का वो बाहर है ना ये बाहर पूरा कोई टच न करे डाक टच न करे ठीक है और क्या अंदर का पूरा कोई ग्रंथि टच न करे क्या करना वहाँ एन का प्रयोग करना ठीक है और सबसे बड़ी बात है जो पढ़ोगे अच्छे तभी आएगा और नहीं पढ़ोगे ना तब नहीं आएगा और कोई जब बताओ जहाँ पे एन लगता हो यूरोपियन मैन लिखा है
और सबका हिंदी निकाल लो और इससे बोल के देख लो और इससे बोल के देख पाला आर आरे यू नो प्यार मैन। अब ध्यान देखो यहाँ पे और इस बुक पर इसको देख लो। देखो एप्पल बोलोगे क्या एप्पल बोलोगे ना वो टच करना चाहिए ना जी ना क्या अंदर कोई भाग बचा नहीं है बोलो एप्पल एप्पल ये बोले तो ये बोलोगे क्या मुंह पूरा खुला रह जाएगा। और देखो ये मिला है ये मिला और क्या ये मिला ये भी मिल गया इसका प्रयोग एन का यहाँ देखो आन आ मिला ये मिला इसका प्रयोग आन। और देखो वो मिला आ मिला इसका प्रयोग एन। सब में तो आने लगा है। अब आ गया क्या आपका ठीक है यूरोपियन। अब देखो अमेरिका तो मिल रहा है इंडिया नहीं मिल रहा कोई मिला इसका प्रयोग।